श्री रामानुजाचार्य या रामानुज ये पांच मूल जगत गुरुओं में से एक है। यानी रामानुजाचार्य जी को जगत गुरु की उपाधि मिली थी, इसीलिए इन्हें जगत गुरु रामानुजाचार्य भी कहते हैं। हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन हैदराबाद के निकट हुआ। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में और किसी की नहीं बल्कि श्री रामानुजाचार्य जी की बैठी हुई प्रतिमा है। इसका उद्घाटन ठीक श्री रामानुजाचार्य जी के 1000वें बर्थ एनिवर्सरी के दिन हुआ। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी लगभग 216 फीट ऊंची है। कहा जाता है कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट में इक्वलिटी दिखाने के लिए इस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है। आप पूछ सकते हैं कि श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उनके स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन कथा उनके जीवनी की सामने आती है। एक बार उनको अपने गुरु ने गुरु मंत्र दिया। ये गुरु मंत्र कान में दिया जाता है और ये एक सीक्रेट मंत्र की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब ये मंत्र उनको मिला तो उनको बताया गया कि ये मंत्र आप किसी को ना बताएं, इस मंत्र में शक्ति है जिससे लोगों का कल्याण होता है। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो बीच चौराहे में आए और सबको बुला के ये मंत्र सबको कहने लगे। उन्होंने कहा कि अगर इस मंत्र से, इसको सुनने से लोगों का कल्याण होता है तो क्यों ना ये मंत्र मैं सबको बताऊं। तो इस कथा से और उनके जीवन के ऐसे अलग अलग प्रसंगों से ये सामने आता है कि कैसे उन्होंने इक्वलिटी के बारे में लोगों को शिक्षा दी। श्री रामानुजाचार्य जी के 9 लिखे हुए ग्रंथ बहुत फेमस है। इन 9 ग्रंथों में कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो उन्होंने अलवारों के ग्रंथों को मान्यता दिलाने के लिए लिखे हुए ग्रंथ है। तमिलनाडु में तमिल वेद करके कुछ ग्रंथ जो अलवारों ने लिखे थे ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पर इन ग्रंथों को मान्यता नहीं थी क्योंकि ये तमिल भाषा में थे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने एक शपथ ली थी कि इनके ग्रंथों को वो मान्यता दिलाएंगे, इसीलिए उन्होंने संस्कृत भाषा में इनके ही ग्रंथों का ट्रांसलेशन संस्कृत ग्रंथों में किया और ऐसे लगभग 9 इम्पॉर्टेंट ग्रंथ लिखे जिन्हें पूरे भारतवर्ष में मान्यता मिली, संस्कृत विद्वानों से मान्यता मिली और इसीलिए इनको जगतगुरु की उपाधि भी मिली। कहा जाता है कि श्री रामानुजाचार्य जी इस पृथ्वी पर 120 साल तक रुके। तो 120 साल में जब वो थे तो उनके 3 स्टैचूज बनाए गए। पहली स्टैचू मेलकोट्टई, दूसरी स्टैचू श्रीरंगम और तीसरी स्टैचू श्री पेरम्बदूर जो उनका जन्म स्थान है वहाँ पर रखी गई। तो आज भी वहाँ पर जो मंदिर है उसमें ये स्टैचू आपको देखने को मिले। बहुत से अनुयायियों का ऐसा मानना है और बहुत बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा मानना है कि श्री रामानुजाचार्य जी और कोई नहीं बल्कि शेषनाग जी के ही एक अवतार थे और तभी उनका नाम राम अनुज यानी श्री लक्ष्मण जी रामानुज ऐसा उनका नाम पड़ा था। तो इन श्री रामानुजाचार्य जी के जन्म दिवस पर हमारी टीम की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब भी आप हैदराबाद या उसके निकट आओ तो आप स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को ज़रूर विजिट करो।